यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। आगे बढ़ेंगे। यूपी के फतेहगढ़ में एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। युवक बहन के ससुराल वालों की तरफ से बार बार दहेज की मांग करने से परेशान था और इससे निजात पाने के लिए उसने जहर ही निगल लिया। घटना बकरगंज इलाके की है, जहां पर मृतक की बहन की शादी इसी फरवरी में हुई थी और शादी में जरूरत का हर सामान दिया भी गया था, लेकिन इसके बाद भी बहन के ससुराल वालों का मन नहीं भरा और शादी के कुछ दिन बाद भी ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। बहन के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी और फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। तो युवक ने यहां पर खुदकुशी कर ली। दहेज की मांग की जा रही थी लगातार उसकी बहन के ससुराल वालों की ओर से, जिसके चलते परेशान युवक था और इसी के चलते जहर इस युवक ने निकल लिया और जहर खाकर खुदकुशी कर ली। साथ ही आपको बता दें, पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों ने शिकायत की पुलिस थाने में और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं उनकी बहन के जो ससुराल पक्ष है वो लगातार प्रताड़ित कर रहे थे दहेज को लेकर, जिसके चलते परेशान होकर उनके बेटे ने इस तरह का कदम उठाया। आपको बता दें, इसी फरवरी में उनकी बहन की शादी हुई थी और शादी में हर जरूरत का सामान दिया गया था, बावजूद इसके ससुराल पक्ष लगातार प्रताड़ित कर रहा था। तो दहेज प्रताड़ना का यहाँ पर मामला सामने आया है, जिसके चलते एक युवक ने खुदकुशी कर ली। कैसे कहते थे कि अपनी जोरों का गुलाम हो गया है, और 10 दिन पहले मैं गया था तो मुझे धुतकार के घर से निकाल दिया गया था। बकरगंज थाना क्षेत्र कोतवाली में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ है। इस संबंध में उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और हम लीगल एक्शन ले रहे हैं, विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। पोस्टमार्टम में जैसा भी जो है रिपोर्ट आएगा, हम उसमें कार्रवाई करेंगे।